नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से कनाडा जाने वालों के लिए। जी हाँ भाई, दुबई से भी एक ट्रेंड चल रहा है। इंडिया के लोगों को भी, इंडिया में जो लोग होते हैं उनको भी ये बोला जाता है कि हम आपको दुबई भेज देंगे, दुबई से आप कनाडा जा सकते हैं। जी हाँ, इंडिया में भी ऐसे एजेंट बैठे हैं, दुबई में इससे ज़्यादा एजेंट बैठे हैं जो दुबई में आपको जॉब नहीं लगवा सकते लेकिन वो कनाडा में जॉब लगवा देंगे। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि बाई चांस मान लीजिए आपने किसी ओरिजिनल ऑफिस अथोराइज होती है, जो मैन पावर ऑफिस होती है, उनमें भी आपने पैसा दे रखा है कनाडा में वर्क परमिट के नाम से। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इंडिया के, दूसरे देशों के, जो कनाडा से आगे जो दुबई से यूएई से भी अच्छी कंट्री में जाना चाहते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। कुछ एलिजिबल भी होते हैं कि वो जा भी सकते हैं, तो फिर भी जो जा सकते हैं उनका भी अगर काम नहीं होता है, जो नहीं जा सकते उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। जो जा सकते हैं ऑफिस में वो पैसा भी एडवांस में जमा करवा देते हैं, दराम में लगते हैं। आपको पता है इंडिया में तो लाख जमा कराओगे लेकिन वहाँ पर 10,000-15,000 दराम इस तरह से वो जमा ले सकते हैं आपसे, लेकिन वो वहाँ पर कम पैसा जमा लेते हैं। इसका एक तरीका हम आगे भी बताएंगे। मान लीजिए किसी ऑफिस में आपने पैसे जमा कराए, ओरिजिनल ऑफिस है, अथोराइज है, आपका अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट का मतलब ये होता है आपके हस्ताक्षर होते हैं दोनों पार्टी के, एक तो ऑफिस वालों की तरफ से, एक आपकी तरफ से, कि भाई हम आपका ये पैसा ले रहे हैं इस काम के लिए और इस देश के लिए, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री हो सकती है, और इतने टाइम में, यानी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने का आपका अग्रीमेंट होता है कि इतने टाइम में हम आपका काम करवा देंगे, अगर काम नहीं करवा पाते हैं तो आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इस तरह से अग्रीमेंट होता है और दोनों तरफ से ये कॉम्प्रोमाइज़ करके सिग्नेचर हो जाते हैं, तो एक अथोराइज अग्रीमेंट हो जाता है, वो उसको मान्यता मिलती है वे लेबर लॉ में भी और वे लॉ में भी। ठीक है जी, फिर भी मान लीजिए अग्रीमेंट हो रहा है, सब एक नंबर में चल रहा है, फिर भी आपका काम नहीं होता है और ऑफिस वाला भी नाटक कर देता है, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या अथॉरिटी है वे में रहते हुए, डिटेल से जानिए। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वे से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई देखिए, एक लिखित आपका समझौता हो गया, किसी भी वे से किसी दूसरे देश में जाने के लिए आपने पैसे जमा करवाए थे, डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, वो टाइम निकल चुका है, आपका काम नहीं हुआ। ठीक है जी, उस दौरान आप कंपनी वाले से पैसा मांगते हैं, कंपनी वाले नानुकुर करते हैं, हम आपका काम, देखिए पहली बात तो अग्रीमेंट लिखित में होता है तो वो आपको मना तो नहीं कर सकते, वो आपको फिर गोली देते हैं कि हम आपको 2 महीने 4 महीने में आपका काम करवा देंगे जी, ये देखो जी आपका ऑफर लेटर आ गया, ये देखो जी आपका फलाना ढिमका, ये पेपर आया फलाना, ऐसे कुछ करके वो टाइम निकालते हैं, या फिर वो बोलते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं, आप किस्तों में ले लीजिए, यानी एक तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली हरकतें वो आपके साथ में शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो उस दौरान आपके पास क्या अथॉरिटी है मैं बता दूं, वे का जो एक कानून बना हुआ है बता दूं, जिसको बोलते हैं वे नागरिक लेन देन कानून। जी हाँ, उपभोक्ता संरक्षण 2006 की एक्ट यानी धारा 24 में ये प्रावधान पूरे लागू होंगे, उसी के द्वारा उसी के प्रोसेस में ये पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। जी हाँ, बता दूं 1985 के आर्टिकल 5 में 148 की धारा में अनुच्छेद में ये बातें साफ साफ लिखी गई है, इसमें ये भी प्रावधान किया गया है, मैं बता दूं ये तो हो गई, ऊपर वाले में मैंने बताया कि 2024 में ये ऑप्शन दिया गया है कि उनको पैसा वापस करना पड़ेगा, ये नागरिक लेन देन का जो कानून बना है उपभोक्ता संरक्षण उसके तहत में क्या करना वो आगे बताएंगे। दूसरा एक प्रोसेस मैं बता दूं कि 1985 में एक एक्ट और बना था आर्टिकल 5 अनुच्छेद 4148 में, जी हाँ उसमें यह प्रावधान किया गया है कि आपका जो अग्रीमेंट हुआ है, जी आपका जो अग्रीमेंट हुआ है उसको आप भी समय से पहले उसको तोड़ नहीं सकते, ये अग्रीमेंट आपके ऊपर भी लागू होता है। ये मत समझना कि ऑफिस वाले के ऊपर लागू हो रहा है, ऑफिस वाले के ऊपर तो जैसे जितना टाइम लिखा है उस टाइम पे वो काम नहीं करता है तो लागू होता है, आपके ऊपर लागू कब होगा, जब मान लीजिए आपका काम वो करवा रहा है फिर आप नाटक करोगे मैं मुझे नहीं जाना, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, उस दौरान आपका आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि आपका लिखित में अग्रीमेंट है, आप ऐसा वापस नहीं मांग सकते। दूसरी बात कि आपका साल भर का जैसे अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई साल भर तक आपका काम नहीं होता है तो पैसे वापस मिल देंगे, आपको जैसे 8 महीने हुए 7 महीने आप पैसे वापस मांगने लग जाते हो तो इस एक्ट के तहत आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। जी हाँ, दोनों शर्तें हैं, आप भी डिफॉल्टर हो सकते हैं, कंपनी का आपका जो इमिग्रांट ऑफिसर है, आपका जो काम करवा रहा है कंसल्टेंट ऑफिस है, वो भी इसमें डिफॉल्ट हो सकती है, यानी दोनों तरफ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अगर पैसा ऑफिस वाला नहीं देता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, आप सीधी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन दुबई का लेबर, आपको पता है कोर्ट पड़ा है तैयार,
और जैसे आप कंप्लेन डालोगे ऑफिस वाला, आपको पता है वे में आदमी को सीधा होना ही पड़ता है। बाकी दूसरी कंट्री है, इंडिया की बात करें तो भाई यहाँ तो एजेंटों पे मुक्त में चलते रहते हैं, फरार हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ फर्क पड़ता है क्योंकि वे में दूसरे देशों के लोग वहाँ के जाके एजेंट बैठे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो ब्लैकलिस्ट होकर डिपोर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वो वहाँ पर मैटर पहुँचता ही नहीं, उससे पहले आपके साथ समझौता हो जाता है। तो कहने का मतलब आप कनाडा के नाम से भाई बहुत सारे इंडिया के लोग हैं वो पैसा दे रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं कि सर वो ऑफिस वाला बोल रहा है 5,000 दराम में 10,000 दराम में हम आपको कनाडा का काम करवा देंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे इस तरह का कुछ ऐड चलाते हैं या किसी भी कैंपेन के माध्यम से वो 150 लोगों से 5,000 दराम 10,000 दराम 8,000 दराम इस तरह से लेके लाखों दराम वो ले लेते हैं, ठीक है जी। लाखों दराम लेके वो या तो रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या फिर वो कोई बिजनेस में वो पैसा डाल देते हैं। आप लोगों के साथ इस तरह का झूठा अग्रीमेंट भी किया जाता है, अभी साल भर का टाइम लगेगा, साल भर में काम नहीं होगा तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। आप साल भर घूमते रहते हैं, इतने में वो पैसा या तो लेके रफू चक्कर हो जाएंगे या फिर वो अपना कोई बिजनेस खड़ा कर लेंगे एम्पायर उसी आपके पैसों से। तो इस तरह का भी एक वे में खेल चल रहा है, हालांकि वो कानून के शिकंजे में नहीं आते हैं क्योंकि आपके साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं साल भर में काम करवा देंगे। साल भर पहले आप बोल ही नहीं सकते, आप कानूनी हेल्प भी आपको नहीं मिलेगी, उससे पहले लोगे तो आप डिफॉल्टर होगे, समझ गए बात को। तो इन चीज़ों का सावधान रहने की जरूरत है भाई। वे से कनाडा जा सकते हैं, इंडिया से भी लोग जाते हैं, सबको पता है ना इंडिया के 10-12 लाख लोग कनाडा में बैठे हैं तो वो इंडिया से गए हैं। लेकिन क्या वे से कनाडा जाना आसान है? क्या इतना आसान नहीं है? उनकी भी प्रोफाइल होती है, रेगुलेशन नियम होते हैं और वो फाइल के अनुसार ही बंदा जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा, बहुत सारे लोग नॉर्मल काम करते हैं 2,000-2,500 उनकी तनख्वाह होती है और वो बोलते हैं जी हम ऑफिस वाला बोल रहा कनाडा भेज देंगे, कुछ नहीं हो सकता। हकीकत तो ये कि आप इंडिया से दुबई भी है ना अच्छी कंपनी में आप मूव नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। तो इन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अग्रीमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन चीज़ों को ध्यान रखें और अग्रीमेंट होने के नाम से पैसे अपना खराब करने से भी बचने की आपको सख्त ज़रूरत है। ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।